गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12, ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12B। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अरे? आंसर, अ लाइन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स व्हाइल अरे एक्सटेंड्स ऑन वन साइड ओनली। देखो लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, और जो रे होती है ये केवल वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। जैसे कि एक रे है ए बी, ये केवल वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। तो ये लाइन है और ये रे है। लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, रे वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट? लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? आंसर देखिए, अ लाइन हैज नो डिफाइनाइट लेंथ व्हाइल अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट लेंथ। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। जैसे कि ए बी एक लाइन है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, जबकि इस लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे कि ए बी ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन की कोई डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती, जबकि लाइन सेगमेंट की एक डिफाइनाइट लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस व्हाइल अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगल फेसेस। क्यूब के सारे फेस स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये क्यूब है, इसके सारे के सारे फेस स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, जबकि क्यूबॉइड के सारे फेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे कि ये क्यूबॉइड, इसके सारे के सारे फेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला देखिए, हाउ मेनी प्लेन फेसेस हैज अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड के 6 प्लेन फेसेस होते हैं। हाउ मेनी कर्व फेसेस आर देयर इन अ स्फीयर? स्फीयर में केवल एक ही फेस होता है और वो कर्व फेस होता है, तो कर्व फेसेस होंगे यहां पर 1। हाउ मेनी एज आर देयर इन अ सिलेंडर? सिलेंडर का कोई एज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी वर्टिसेस हैव अ क्यूब? क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं? तो क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं। थैंक यू।